नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में खोई जमीन पाने की तलाश में जुटी कांग्रेस, न्याय यात्रा में आबकारी घोटाले को बनाया बड़ा मुद्दा। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य चुनावी मुद्दा आप सरकार का आबकारी घोटाला होगा। पार्टी का सारा चुनावी अभियान इसी मुद्दे के इर्द गिर्द होगा। वह शुक्रवार को शुरू हुई दिल्ली न्याय यात्रा के बहुत हद तक साफ कर दिया है कि एक माह तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत राजघाट से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर नमन करके हुई। यात्रा की शुरुआत में ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैरिकेचर वाले शराब की बोतल नुमा गुब्बारे और एलईडी स्क्रीन पर आप सरकार की चार्जशीट लाइव दिखाकर कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस दिल्ली की आप सरकार के झूठे और भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। यात्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार के प्रति आक्रोश भी दिखाई दिया। दिल्ली वासियों को उनका खोया हुआ हक दिलाएगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित इस दिल्ली न्याय यात्रा को रवाना करने से पूर्व माकन और सुक्खू ने उम्मीद जताई है कि इस यात्रा दिल्ली वासियों को उनका खोया हुआ हक दिलाएगी। कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच माकन ने कहा है कि आप सरकार के 15 वर्षों के दिल्ली को भ्रष्टाचार, बदहाली और जनता के प्रति निष्क्रियता के चलते बर्बाद कर दिया। ईमानदारी की बात करने वाले 10 रुपए का पेन और हवाई चप्पल पहनने वाले केजरीवाल ने जहां दिल्ली को नशे की राजधानी बना दिया, वहीं अपनी सुविधा अनुसार सीएम आवास बनाकर 171 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। आप सरकार ने दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया कांग्रेस। उन्होंने कहा कि टीडीसी, जल बोर्ड, बिजली, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, स्वास्थ्य और शराब घोटाला कर आप सरकार ने दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। सुक्खू ने कहा है कि न्याय यात्रा का मकसद बेरोजगारी में नंबर वन दिल्लीवासी युवाओं के लिए रोजगार की लड़ाई लड़ना है। हम कांग्रेस की विचारधारा, सच्चाई, ईमानदारी और सबके हक व अधिकारों की लड़ाई लड़कर दिल्ली की जनता को जागरूक बनाने के लिए काम करेंगे। और झूठ बोलने वाले केजरीवाल के लगातार पिछले 11 वर्षों के किए जा रहे बेबुनियादी, खोखले और झूठे वादों को दिल्ली की जनता के समक्ष उजागर करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली न्याय यात्रा का मकसद दिल्ली वालों की समस्याओं को उजागर कर उनके स्थायी उपाय के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता यात्रा के जरिए पूरी दिल्ली में घरों के दरवाजों तक दस्तक देंगे और भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी की विफलता को उजागर करेंगे। बोल रही बोतल पोल, खोल रही बोतल। राजघाट से यात्रा की शुरुआत में एक बैंड ने सारे जहां से अच्छा की धुन बजाई। यहां से यात्रा शुरू होकर दिल्ली गेट से गुजरते हुए आसफ अली रोड, तुर्कमान गेट, सीताराम बाजार, हौज काजी चौक, कटरा बारियां से होते हुए फतेहपुरी पहुंची, जहां पहले दिन की यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में सांकेतिक रूप से शराब की बोतल के रूप में दर्शाए गए गुब्बारे में आप संयोजक केजरीवाल का कैरिकेचर तो बनाया ही गया था। बोतल के बीच में भी लिखा गया था कि बोल रही बोतल पोल, खोल रही बोतल। यात्रा के थीम गीत न्याय यात्रा संघ कदम मिलाकर चल, मिलकर बनाएंगे बेहतर दिल्ली का कल की धुन के बीच सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली न्याय यात्रा लिखी टी शर्ट पहने प्रतिभागियों ने कांग्रेस का झंडा ले रखा था, जिसमें से कई के हाथों में आप सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर भी नजर आए। यात्रा 4 दिसंबर को तिमारपुर में खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर पार्टी कार्यकर्ता और नेता दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान शहर के लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उन समस्याओं के बारे में जानेंगे जिनका वे पिछले 10 वर्षों से सामना कर रहे हैं। यह यात्रा राष्ट्रीय राजधानी के सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और 4 दिसंबर को तिमारपुर में खत्म होगी। यह 4 चरणों में चलेगी, जिसमें रात्रि प्रवास भी शामिल रहेगा। शुक्रवार को रानी झांसी रोड पर स्थित अंबेडकर भवन में रात्रि प्रवास हुआ। शनिवार को यात्रा की शुरुआत जामा मस्जिद से होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।